ठीक है, बस बस। Yeah, let's go. Ready? Okay, Imran, सबसे पहले तो congratulations राज बोर्ड के लिए। Thank you. जान चाहेंगे जब जब राज की बातें होती हैं, क्या कुछ ख्याल आता है आपके दिमाग में, क्या कुछ दिल में आता है? आप राज फिल्म की बात बारे में बात कर रहे हैं? Well, हमारे देश की सबसे बड़ी हॉरर फ्रेंचाइज की फिल्म है ये, और मैंने अपनी शुरुआत राज वन से की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और मुझे जनरली हॉरर जॉनर बहुत पसंद है। यहाँ पे हम ज़्यादा हॉरर फिल्म देखते नहीं हैं, ज़्यादातर फिल्म मेकर्स हॉरर फिल्में बनाते नहीं हैं। तो सीधा तो जब राज टू बनी तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। उस फिल्म में हमने ऊटी के बंगले से, जो राज वन जहाँ शूट हुई थी, हम राज को मुंबई में लेके आए, अर्बनाइज हॉरर पहली फिल्म बनाई। फिर उसके बाद थर्ड फिल्म बनी जो मुंबई में शूट की गई थी और एक ब्लैक मैजिक का उसका थीम था। राज फोर के लिए मैंने नहा कह दिया था बहुत पहले, जब राज थ्री की सक्सेस पार्टी हो रही थी। तो हमें पता था कि हॉरर अभी मेन स्ट्रीम जॉनर में आ गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है। 84 करोड़ का बिजनेस किया था उसने दो साल पहले। और मैंने विक्रम से कहा था, यार मैं राज फोर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वी कैन डू बेटर देन राज थ्री। लेकिन फिर विक्रम ने एक साल पहले मुझे कहानी सुनाई, मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे मैं रियलाइज़ कि ये ऑडियंस को एक ऐसी एक्सपीरियंस देने वाली है जो शायद आज तक ऑडियंस ने देखी नहीं, हॉरर फैंस ने देखा नहीं। जो हॉरर सीन्स हैं वो लोगों को डराएगी, चौंका देगी, और यू नो लव स्टोरी भी है, अच्छी म्यूज़िक भी है, तो एक पूरा पैकेज है फिल्म का। तो इसलिए मैंने राज फोर के लिए हाँ कर दिया। राज टू से राज रिबूट तक हमने आपको देखा, कैसा रहा ये सफर, कैसी रही जर्नी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा कि हॉरर जॉनर मुझे बहुत पसंद है और हॉरर फिल्म में काम करने का अनुभव बहुत पॉजिटिव रहा है। हॉरर जैसे राज थ्री थी, पहली बार हम 3D लेके आए थे हॉरर फिल्म में, तो वो एक बहुत ही नॉवल चीज़ थी, लोगों ने बहुत सराहा, पसंद किया। राज टू में एक अलग एक्सपीरियंस था, पहली बार हम मुंबई में लेके आए हॉरर को। राज फोर में हम चाहते थे कि ये फिल्म हम इंडिया से बाहर लेके जाएं, रोमानिया में, जहाँ बहुत ठंड थी, -18, बहुत ग्रिलिंग शूट था, बहुत टफ शूट था। लेकिन हमने वहाँ पे कुछ 55 डेज शूटिंग की थी, एंड इट वाज रियली रियली कोल्ड, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट आई थिंक वो स्क्रीन पे लोगों की मेहनत अभी रंग लाएगी जब फिल्म रिलीज़ होगी, वो दिख रहा है स्क्रीन पे, एंड आई थिंक द लुक इज़ फैंटास्टिक। तो पूरा अनुभव जो रहा है, मेहनत की है, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली उसका फल मिलेगा हमें। Your association with Vikram was from your debut with Phupat. Yes. How do you look after all as a director of, for Vikram? As in, You know, पहली फिल्म मैंने उनके साथ की थी फुटपाथ, एंड तभी मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने हाँ कर दिया। फिर मैंने एक्टिंग की और उन्होंने मेरी बहुत मदद की पहले राज में, एंड इट वाज रियली रियली सॉरी पहली फिल्म फुटपाथ में, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद कंपनी में उन्होंने काम नहीं किया, विशेष फिल्म्स में उन्होंने 10 साल के बाद वापस कंपनी में आए, राज थ्री बनाई, जो सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है, एंड ही इज़ काइंड ऑफ मोनोपोलाइज द स्पेस, क्योंकि हमारे देश में कोई दूसरा डायरेक्टर हॉरर फिल्म बनाता नहीं है। एंड आई रियली अंडरस्टूड लॉट 3D के बारे में उनसे, कैसे वो हॉरर फिल्म के सीन्स शूट करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं खुद इस जॉनर को बहुत पसंद करता हूँ, सो आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम। इमरान, वो मेहनत हमने देखी कि जो ये ट्रेलर मैंने देखा, 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस ट्रेलर को देख चुके हैं, इतना लोग इस मेहनत को प्यार दे रहे हैं, फैन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जब 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा? वेल, ये कहूँगा जो लोग जिन लोगों ने हॉरर फ्रेंचाइज राज को पहले दिन से देखा है, पहले राज से देखा है, दे आर इन फॉर अ ट्रीट।
आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये राज फोर्ट देख के। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। एंड आप लोगों ने म्यूज़िक को तो ऑब्वियसली एंडोर्स किया है, पसंद किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और यू नो सेकेंड और थर्ड पार्ट करने के बाद बहुत लोगों ने आगे मुझसे ये कहा कि यार हम हॉरर फिल्में नहीं देखते हैं लेकिन हमें राज की फ्रेंचाइज बहुत पसंद है। और इसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि उसमें म्यूज़िक है और खूबसूरत लव स्टोरी भी है, तो हमारे कल्चर के हिसाब से वी लाइक दोज थिंग्स फर्स्ट और फिर उसके बाद जो बोनस मटीरियल होता है वी इन्जॉय दैट। तो इट इज़ फर्स्ट एन इमोशनल स्टोरी, लव स्टोरी है, ट्राइंगल है, उसके बाद इट हैज़ दिस एलिमेंट ऑफ यू नो द हॉरर इन द फियर। You are the experienced ones among the cast, so you feel challenging more or take it as burden? Come on, man, I have to deliver the best. I think अगर आप न्यूकमर्स के साथ काम कर रहे हैं या इस्टेब्लिश एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, हर फिल्म में एक चाह होती है कि आप डिलीवर करें, यू हैव टू डिलीवर द गुड्स। अगर लोगों ने आप पे विश्वास रखा है, फैंस आपको मानते हैं और आपकी फिल्में देखते हैं, तो यू ओवर टू देम और उनके लिए आपको डिलीवर करना पड़ता है फिल्म आफ्टर फिल्म। तो इट डजंट रियली मैटर किस किस्म की फिल्म है, किसके साथ काम कर रहे हैं आप, बस यही मैटर करता है कि आप एक ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं और उसके लिए यू शुड बी एबल टू गिव 100% हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, जो मैंने कोशिश की हर फिल्म में उस तरह काम करने की। व्हाट्स दैट वन एलिमेंट यू फील एज पर अकॉर्डिंग टू यू दैट हॉरर फिल्म शुड हैव? हॉरर फिल्म में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन आई थिंक जो मेन एलिमेंट है वो जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ऑडियंस को लेकर, जो स्केप्टिक्स भी होते हैं, जो भूतों में विश्वास नहीं करते हैं, वो भी कभी कभार चीज़ों से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, तो यू हैव टू बी एबल टू प्ले अप विद दैट फियर। और वो इम्पैक्ट जो है, द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट हॉरर फिल्म यही है कि अगर आप हॉरर फिल्म देखें, उस चीज़ को पसंद करें और यू नो महीनों के बाद, हफ्तों के बाद आपको वो विजुअल्स जो हैं उस हॉरर फिल्म में, आप उनको भुला नहीं पाएंगे। वो ही एक बहुत ही अच्छी हॉरर फिल्म होती है जिसके जिनके विजुअल्स इम्पैक्ट होते हैं, एक साउंड डिज़ाइन अच्छा होता है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, फियर ऑफ वॉट एवर इन सिनेमा हॉल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेल ऑडियंस का बहुत अच्छा रिएक्शन आया है, राज फैंस का बहुत अच्छा रिएक्शन आया है, और अभी आज के दौर में सोशल मीडिया में आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, ऑन एयर ऑनलाइन, तो सब लोगों ने कहा है कि उन्होंने यू नो प्रोमो को सराहा है, बहुत पसंद किया है, यू नो म्यूज़िक सब लोगों को बहुत पसंद आया है। सो या वेटिंग फॉर द 16th September नाउ। जैसे कि आपने भी बात की कि ये हॉरर फिल्म है, जब आप लोग चाहेंगे देखने तो हॉरर फिल्म है, तो ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो आपको डर लगता है रियल लाइफ में? मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल स्केप्टिक हूँ। मैं जानता हूँ कि हर रिलीजन, हर मज़हब में, हर कल्चर में भूतों का जिक्र हुआ है, सुपरनेचुरल फोर्स का जिक्र हुआ है, तो मुझे डर उसका नहीं है। दूसरी चीज़ों का है, यू नो हैविंग लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर, ऐसी फियर्स होते हैं, प्रोफेशनल फियर्स होते हैं, बस यही एक दो फियर्स हैं, लेकिन ऐसा भूतों का फियर आज तक टच वुड नहीं हुआ है मुझे। वेल इमरान, इंडस्ट्री में वी हैव डायरेक्टर्स लाइक करण जौहर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ शाहरुख, दे आर द बेस्ट इन रोमांस, रोमांटिक, एंड देन यू एंड विक्रम आर अमंग द हॉरर जॉनर, सो डू वी से दैट यू गाइस आर फोर्टे एंड यू गाइस आर बेस्ट इन? आई होप सो, एंड आई होप इस बार ऑडियंस जब फिल्म देखेगी दे फील दैट वी हैव लिव्ड अप। एक एक्सपेक्टेशन होता है and you have to live up to the expectation, so I hope this entire team lives up to you know the audience's expectation for Raaz 4. Imran, Pink bhi aa rahi hai 16th of September ko, ji, and you kuch competition mante hain aap ki haan ek competition box office par hone wala hai? देखिए जब तो अलग अलग फिल्में रिलीज़ होती हैं फ्राइडे को, जब जॉनर सेम नहीं हो, एक लव स्टोरी और एक्शन फिल्म रिलीज़ हो सकती है या एक ड्रामा एक हॉरर फिल्म रिलीज़ हो सकती है, तो उन दो फिल्मों की ऑडियंसेस बहुत अलग होती हैं, तो उस तरह कंपटीशन नहीं है। आई थिंक जो ऑडियंस वो फिल्म जाके देखना चाहती है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। राज फ्रेंचाइज हॉरर फिल्मों का एक अलग ऑडियंस है जो आके हमारी फिल्म देखेगी, तो इट्स प्रीटी मच अ डिवाइडेड केस इन
टू जॉनर्स, दो अलग अलग जॉनर में. हमने देखा कि सीबीएसई बोर्ड ने भी कुछ भी फ्रैक नहीं दिए, और तो खुश है आप इस चीज को लेकर या एक सफलता? एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है, क्योंकि थोड़े कट्स थे, देयर वर फ्यू कट्स इन द फिल्म. कुछ कस वर्ड्स थे, एक्सप्लिसिट लैंग्वेज जो इस्तेमाल किया गया था वो बहुत पहले इनिशियली आई थिंक सेंसर बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया था कि हम उसे काट दें. अभी क्या वर्ड्स हैं ये आपको मुकेश जी और भट्टा भी बता पाएंगे, लेकिन अडल्ट फिल्म इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मीन्स एरोटिक कॉन्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो विजुअल्स हैं वो डराने वाले विजुअल्स हैं, ग्राफिक हैं, और बच्चों के लिए नहीं है. तो इसलिए हमें ए सर्टिफिकेट दिया गया था. वी रादर गो विद एन ए सर्टिफिकेट देन अप्लाई अ यू सर्टिफिकेट और इन सब विजुअल्स को निकाल के फिर राज वो फिल्म ही रहती जो हमने इन्विजन की थी. तो विजुअल्स जो हमने शूट किए हैं वो हैं, बरकरार हैं फिल्म में, और फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है विद वेरी माइनर कट्स, जिसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ. देखिए ट्रोलर्स तो 2% हैं, लेकिन जो 98% लोगों ने बहुत पसंद किया है कैप्टन नवाब के पोस्टर को, और इट वॉज़ वेरी हार्टनिंग क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल, एक बहुत हाई कॉन्सेप्ट पोस्टर है जिसमें बहुत मेहनत की गई थी. क्रिएटिवली इट्स अ फैसिनेटिंग पोस्टर, और फिल्म की शूटिंग हम अगले साल शुरू करेंगे. इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस फिल्म, रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है. सो वेटिंग टू गेट इट आउट टू माई फैंस वेरी सून. You know, हर फिल्म के साथ आप उतनी मेहनत करते हैं तो होम प्रोडक्शन में हाँ डबल मेहनत होगी, क्योंकि आप एक एज प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं, और ये मेरी मेरा पहला स्टेप है इस डायरेक्शन में. सो आई वांट ऑल द विशेस एंड यू नो बेस्ट विशेस फॉर माय फैंस. सो इंशाल्लाह एवरीथिंग गो वेल. इमरान, एक सवाल आपसे आपके बेटे के बारे में जानना चाहूंगा कि जब वो आपको स्क्रीन पे देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, या हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार की लॉन्च हो रही है तो बहुत छोटे हैं जी, उनका क्या रिएक्शन होता है और वो क्या कुछ बातें करते हैं कि डैडी आप स्क्रीन पे इस तरह से लग रहे हैं? वो ऑब्वियसली जानते हैं क्योंकि वो यू नो पेपरों में जब आर्टिकल्स आते हैं या स्क्रीन पे कोई गाना आ रहा है, फिल्म के गाने आ रहे हैं, तो वो जानते हैं अभी मेरा प्रोफेशन क्या है. वो भी खुद इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, वो एक्टर बनना चाहते हैं. पता नहीं इसके बाद क्या होगा, 20 साल के बाद शायद उनको वो कोई दूसरे प्रोफेशन को चुने, लेकिन अभी टचवुड उन्हें ये पसंद आ रहा है और ही लव्स द लाइमलाइट. उन्होंने एक्चुअली एक फैशन शो भी किया 3 दिन पहले फॉर द लैक्मे फैशन वीक. तो एक एक्सपोजर उन्हें इस उम्र में 6 साल की उम्र में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. नहीं, हॉरर जॉनर तो वो देख नहीं सकते हैं क्योंकि इट्स नॉट फॉर हिज एज. तो होपफुली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स जब मैं एक यूनिवर्सल फिल्म करूंगा तो वो देखेंगे एंड होपफुली एंजॉय इट. अच्छा इमरान, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक साल पहले थी एक बेफिक्र करके एक फिल्म आई, हमने अभी तक जो हमारे पास पिक्चर आई है कई सारे बोल्ड इंटीमेट पिक्चर आए, आप मानते हैं कि रणवीर सिंह इज अ नेक्स्ट इमरान हाशमी, या आपका क्या टेक है? आप क्या? आई थिंक बहुत अनफेयर है टू से एन एक्टर इज़ अ नेक्स्ट समवन, क्योंकि हर एक्टर खुद में एक इंडिविजुअल है, खुद की स्ट्रेंथ्स होती हैं, आप एक मेहनत के साथ फिल्में करते हैं, यू हैव योर ओन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आई वुडंट वॉन्ट माई सेल्फ टू बी द नेक्स्ट एनी वन, आई वुडंट वॉन्ट एनी अदर एक्टर टू बी द नेक्स्ट मी. हर कोई इंडिविजुअली यू नो अपना खुद काम कर रहा है, एंड आई विश एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट. Very interesting. Of course, it'll be a very interesting biopic. And you know, biopics ke saath mera bahut ek tarah se fascination hai because you're putting up someone's life on celluloid. And I would really want to see Mr. Burman's biopic whenever it's releasing. I don't think it's on floors yet, but it'll definitely be a very, very interesting film and will have great music. Any actor you prefer? Maybe it's Aamir Khan. I'm very selfish. I'd want it to be me because I've got the best songs in the industry. Thank you. All right. Thank you. Cheers. Thank you.
जी गौरव, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको आपकी इस राज रिबूट के लिए। थैंक यू सो मच। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म का? माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है यार, टू बी अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज राज। जब मुझे पहले दिन बताया था विक्रम सर ने कि आई वॉन्ट यू इन माई फिल्म विच इज़ राज, तो मतलब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं बताई थी। वी आर शूटिंग फॉर लव गेम्स और चौथे दिन पर उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की थी। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ना उन्होंने मुझे कुछ स्क्रिप्ट बताई थी, मैंने कहा आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। So, audition भी लिया गया था आपसे? नहीं, ऑडिशन नहीं हुआ था। मैं बस हम लोग लव गेम्स का शूट कर रहे थे और चौथे दिन पे उन्होंने कहा आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, एंड ही सेड आई वांट यू इन माय नेक्स्ट फिल्म टू एंड व्हिच इज राज। और भट्ट साहब और मुकेश जी ने दे बैक द डिसीजन एंड या इट हैपेंड। वाज इट मोर चैलेंजिंग फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ सच फिल्म्स एंड डिलीवर द बेस्ट? ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं था। द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग अबाउट दिस फिल्म वाज द क्लाइमेटिक कंडीशंस। वी शॉट, हम लोगों ने मतलब -18 degrees -20 degrees के लोकेशंस पे शूट किया, एंड वन सच इवनिंग जब -18 था और हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे, मुझे कैमरा में देख के सिर्फ एक स्माइल करना था, एंड इतनी ठंड थी, पूरा यूनिट सिर से लेके पांव तक दे वो कवर्ड, आंखों में वो चश्मे पहने हुए हैं, चार चार पाँच पाँच लेयर्स, और हम लोग अपने कॉस्ट्यूम में थे और मैं कैमरा के सामने आता हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू स्माइल, बस मुझे स्माइल करना था, और मेरा आई कुडंट फील माई फेस, मेरा जॉ लॉक हो गया था। सब ट्राइंग टू स्माइल एंड विक्रम वहाँ से चिल्लाए रहे माइक पे, अरे हंस क्यों नहीं रहा है? आई सेड मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन आई कांट ओपन माई माउथ। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी विच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, बट इट्स एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द फिल्म। आई मीन इट्स लुकिंग रियली नाइस इफ यू सी द स्नो एंड द विजुअल्स, इट्स एडिंग अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू द फिल्म। नहीं, वॉट आई फील इज इन द बिगनिंग लाइक फर्स्ट फ्यू फिल्म्स, इट्स नॉट यू हु चूजेज द फिल्म, इट्स द फिल्म दैट चूजेज यू, एंड दैट्स वॉट एक्चुअली हैपन विद मी। एंड द बेस्ट पार्ट इफ यू लुक एट इट इज दोनों में बहुत ही अलग कैरेक्टर है मेरा। लव गेम्स में जो कैरेक्टर था वो एक एक्स्ट्रोवर्ट था, बहुत पार्टी करता था, ही वुड डू सेल्फ हार्म, ही वुड डू ड्रग एडिक्ट था, और यहाँ पे एकदम ही ऑपोजिट कैरेक्टर, दिस गाइज एन इंट्रोवर्ट, ही डजंट टॉक मच, अपनी आंखों से बात करता है, इंटेंस कैरेक्टर है बहुत। सो जस्ट डूइंग टू फिल्म्स इन 4 months विद टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एज एन एक्टर। एंड एन एक्सपीरियंस लाइक इमरान हाशमी एडिंग ऑन टू दैट, वाज इट रिलीफ? व्हेन आई गॉट टू नो दैट इमरान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिल्म, मुझे ये लगा था कि ही एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द फिल्म, द फिल्म विल बिकम मच बिगर। So for me, I mean for a newcomer, it's a platform where a larger audience are going to come and see the film. It's a franchise and then Imran being a part of it, zyada log dekhne ko aayenge to wo yaar saath mein mujhe bhi dekh lenge ki bhai there's a new boy, and then let them decide what they think of me. Yeah. What sort of learning tips you got from Imran? Aise hamare hum logon ne shayad 2-3 din hi saath mein shoot kiya tha bas, but bahut hi important scenes the. और लर्निंग टिप तो ऐसा कुछ था नहीं, हम दोनों ही आज के इफ़ यू लुक एट ऑल दीज न्यूअर एक्टर्स व्हाट हैपेंस इज सब लोग इतना प्रिपेयर होके आते हैं कि बिकॉज एवरीवन नोज के एक या दो अपॉर्चुनिटी मिलनी है एंड इफ़ यू कांट प्रूव इट यू विल बी आउट ऑफ इट। बट एक डिसअपॉइंटमेंट था मेरा इमरान के साथ काम करने का, वो ये था कि मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी गुड एट लिपसिंग, हमारी कंट्री में वो वन ऑफ द बेस्ट हैं लिपसिंग में आता है, लेकिन फिल्म में हमारी कोई लिपसिंग नहीं है, तो मैं उन्हें वो करते हुए नहीं देख पाया, और मेरी इच्छा थी, आई वॉन्टेड टू एक्चुअली सी हिम डू इट बट आई कुडंट। क्योंकि आपने कहा कि उन्हें देखने आएंगे तो हमें भी देखेंगे, हमें जो ट्रेलर है 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा फिल्म का, तो क्या फील करते हैं आप जब इस तरह से पहला ही रिएक्शन आता है? हाँ, अभी तक जो रिस्पॉन्स है ट्रेलर का, सॉन्ग का, टीजर का, इट्स बीन अ ग्रेट रिस्पॉन्स, लाइक बहुत ही रिलीफ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी आपने हॉरर एलिमेंट अभी तक ट्रेलर या टीजर्स में देखा है, इट्स जस्ट 1/4 ऑफ व्हाट्स देयर इन द फिल्म। तो जब आप फिल्म देखने आएँ तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ में लाइएगा, इट बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वो डर के आपके पास ही बैठी रहेगी, बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर हॉरर एलिमेंट इन द फिल्म। बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, यू विल क्राई, यू विल बी स्कैर्ड, एंड बहुत ज़्यादा लव भी है। सो या गर्लफ्रेंड से याद आया गौरव, हमने सुना इस फिल्म में आप में और इमरान में किसिंग का काफ़ी कंपटीशन है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा और इमरान के किसिंग का कोई कंपटीशन है। इनफैक्ट वो जो भी मैंने करना था वो पिछली मूवी में
डन एंड अवे विद, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स व्हेन यू लुक एट द फिल्म, वो भी एक इमेज होती है, वो बाय डिफॉल्ट पे डिजाइन हो जाती है. बट आई एम श्योर ही इज द मास्टर इन इट. एंड एडिंग ऑन टू दिस, डू यू फील दैट यू कुड बी द नेक्स्ट विशेष फिल्म इमरान हाशमी? व्हाई विशेष फिल्म इमरान हाशमी? आई विल बी विशेष फिल्म नेक्स्ट गौरव अरोरा. या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी लव गेम्स के साथ, ऑब्वियसली डिडंट, वो वैसा कुछ हुआ नहीं. शेकी स्टार्ट था, बट बहुत लोगों के साथ हुआ ये. बट टू बी गेटिंग इन सेकेंड अपॉर्चुनिटी वो है. और अभी तक जो मुझे रिव्यूज़ मिला है उससे मैं काफ़ी हद तक खुश हूँ. बट I'm hoping it does really well because it's a very important film for all of us. I mean, from Vishesh Films to Imran, for me, for Kriti, all of us, and Vikram sir as well. Any best compliment you got so far for the trailer? A lot of trailers, yeah. I mean, I think the jo look hai, wo Love Games mein jo tha, aur isme jo it's absolutely totally a different look, different character. To logon ko pehle se pata hi nahi chala tha ki ye wahi ladka hai. And to wo mere liye ek achhi cheez hai as an actor. To look and to behave in a totally different way. And apart from that, ऐसे compliments तो बहुत हैं. अब वो मैं क्या बताऊँ उधर. क्योंकि हमने ये आपकी दूसरी फिल्म देखी है, तो आगे का इमरान हाशमी and लव के हम देखें इनके साथ में, आगे भी हम ऐसी कोई इच्छा रखते हैं particular कि हाँ इस actor के साथ में मुझे काम करना है, या ये actor बहुत ही versatile है, या actors की जगह I would rather say directors. कि मेरी एक तमन्ना है, बहुत एक लिस्ट है बहुत बड़ी कि इन डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर पाऊँ, जैसे कि इम्तियाज़ अली, जोया अख्तर, मणि रत्नम साहब, आई थिंक ही इज़ फैबुलस, मोहित सूरी, अभिषेक कपूर, दिबाकर बैनर्जी, करण जौहर, संजय लीला भंसाली. इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट एंड आई रियली होप आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ऑल ऑफ देम. See, first was a different genre. This is totally something different. Iske baad probably I would love to do an out and out romantic film, like a sweet love story or a die hard love story. Wo hota hai na ek shiddat wala pyar, waisi koi love story, ya fir action film, comedy film. I mean, as an actor, I think maza aapko tab aata hai jab actor ek bachcha hota hai yaar. जैसे एक बच्चे को आपने कुछ खेल रहा है, वो कुछ उसने ड्राइंग बनाई, फटाफट मम्मी के पास आ गया, मम्मी कैसी ड्राइंग आपको अच्छी लग रही है. सिमिलरली एक्टर जब वो परफॉर्म कर रहा होता है ना, वो फटाफट मॉनिटर पे आएगा और वो अपने डायरेक्टर से सुनना चाहेगा, यार तूने बहुत सही शॉट दिया है. सो एज एन एक्टर आई मीन यू थ्राइव ऑन अप्रिसिएशन, सो आई वुड लव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स एंड इफ आई होपफुली गेट अप्रिशिएटेड फॉर दैट. या आई मीन देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर शॉट जिसमें वाइल मैं जब वो कर रहा था एंड ये लोग सब मॉनिटर पे बैठे हुए थे, और बहुत ही इमोशनल हार्ट ब्रेकिंग शॉट था. और राज रिबूट में जब हम वो शॉट कर रहे थे एंड आफ्टर एक्शन आई हियर हिम कॉल फैंटास्टिक शॉट एंड ही वाज क्राइंग जब वो ये बोल रहे थे ना. सो एवरीवन वाज सिटिंग एट द मॉनिटर, दे वर ऑल क्राइंग बाय लुकिंग एट दैट शॉट एंड देन ही केम एंड ही हग्ड मी रियली टाइट. सो एज एन एक्टर यार वही होता है, आई मीन दैट्स व्हाट यू वर्क फॉर. सिंगर तो मैं बहुत ही बहुत ज़्यादा बेसुरा हूँ यार. मतलब मैं बहुत ही बेसुरा सिंगर हूँ, बट मैं बहुत ही आई लव म्यूज़िक, तो मैं बहुत ही एंथुजियास्टिक तरीके से उसको गाता हूँ, लेकिन मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता. अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर कोई गवा सकता है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट. Anything for the viewers you want to say about? Oh, it's a film. I mean, it's Raaz. We're rebooting the franchise for a reason. I mean, you'll get to see in terms of visuals, in terms of narrative, in terms of the fear quotient, in terms of the love story. The songs will take you back to Raaz 1. So there is a lot more coming your way. Please go and watch it. It's a full entertainer and I'm sure you guys will love it. Any other film you have? Oh, I have a 3-film deal with Vishesh Films. So probably after this, actually a lot depends on this film too. So they have a few scripts that they're working on. And if this does well, probably we'll start soon after this. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.